दोस्तों अगर आप भी बुमराह और उमेश यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चौथे दिन के खेल के अंतिम पलों में बुमराह और उमेश यादव के बल्ले से कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि देखकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। और उनकी बल्लेबाजी ने कैसे इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों की खाल ही उधेड़ कर रख दी वो सब भी आपको बताएंगे, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है बुमराह और उमेश यादव में से आज किसने बेहतर बल्लेबाजी करी, नीचे कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम ने चौथे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में इतनी धाकड़ बल्लेबाजी करी कि इतिहास ही रच दिया है। वो भारतीय क्रिकेट टीम जिसकी अब तक आलोचना हो रही थी कि सभी मिलकर प्रदर्शन नहीं कर सकते, इस बार सभी खिलाड़ियों ने एकजुट होकर ऐसी बल्लेबाजी करी और इतना बड़ा स्कोर बना दिया जिसके बारे में जानकर भी अंग्रेजों के होश ही उड़ गए थे। आपको बता दें कि दूसरी इनिंग्स में एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 से 8 खिलाड़ियों ने बेहतरीन बैटिंग करी। इसमें रोहित शर्मा का शतक शामिल है, केएल राहुल की 46 रनों की पारी, कोहली की 44, पुजारा की 61 तो वही शार्दुल ठाकुर के 60 रन और इसी के साथ साथ पंत का 50 भी मौजूद है। इन सभी खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय क्रिकेट टीम को 400 तक पहुंचा दिया था। लेकिन इसके बाद मैदान पर आकर उमेश यादव और बुमराह ने जो किया उसने असली नुकसान पहुंचाया इंग्लैंड की टीम को। दोनों खिलाड़ियों ने आकर मैदान पर न सिर्फ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी बल्कि इंग्लैंड की टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर डाली। फिर वो चाहे एंडरसन हो, रॉबिन्सन, क्रिस वॉक्स या फिर मोइन अली ही क्यों न हो, जो कोई भी उमेश यादव और बुमराह के रास्ते में आया उसे या तो छक्के मिले या फिर चौके। आपको बताएं दोस्तों कि उमेश यादव ने तो न सिर्फ मोइन अली बल्कि एंडरसन तक को छक्का चढ़कर सबके होश ही उड़ा दिए थे। लगभग 70 से 80 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए जहां उमेश यादव ने अपनी पारी में 23 रन लगा दिए तो वहीं बुमराह भी कहां पीछे थे। उमेश यादव से मिले कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करके दोस्तों बुमराह ने 4 चौके जड़कर अपनी पारी में 38 गेंदों में ही 24 रन लगा दिए थे। और बुमराह और उमेश यादव की इसी जोड़ी से भारतीय क्रिकेट टीम को वो अतिरिक्त 50 से 60 रन मिल गए जिससे इंग्लैंड की टीम को हराने में और ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि बुमराह और उमेश यादव की पारी इतनी ज्यादा शानदार थी कि एक समय पर इंग्लैंड की टीम के गेंदबाज माथा पकड़ कर बैठ चुके थे कि इन्हें आउट कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे टेल एंडर्स ने भी इस बात को दर्शा दिया है कि अगर मेन खिलाड़ी आउट हो जाएं तब भी वह मैदान में रन लगा सकते हैं और किसी मुकाबले को हिलाने के लिए केवल एक ही रन काफी होता है। ऐसे में बुमराह और उमेश यादव करी गई ये खतरनाक बल्लेबाजी वाकई में भारतीय क्रिकेट टीम के काम तो आई है। लेकिन दोस्तों आप सभी बुमराह और उमेश यादव की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।